तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ टेबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे समराइज की है। ठीक है, ये टेबल्स मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये भिजवा दूंगा, है ना। और ये यहाँ पे शायद इलेक्ट्रोड्स आएगा, इलेक्ट्रोड्स इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स का एक डिफरेंस है, कैथोड एनोड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस केमिक जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो होती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं वो अपोजिट काम करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको खर्च करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो प्रोसीड होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और केमिकल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये है ना, ये कई बार आ जाते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, और ये हमारे पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सेल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने ड्यूरिंग डिस्कशन वी कंसिडर्ड इट सेल पोटेंशियल। ओके, ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, है ना, जो आपके लिए कुछ समराइज कर देगी इंफॉर्मेशंस। और ये हमने देख ही लिया था कि डेनियल सेल के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें तो तीन तरह के जो सिचुएशंस हैं उनमें क्या क्या होता है, वो सारा हमने किया हुआ है, आप इसको रिवाइज करेंगे। सोल्ट ब्रिज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पुट कर दी है, और अब हम आ गए हैं वही जहाँ हमें होना चाहिए। और हम आ गए हैं कहाँ पे बताना जरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ गए हैं, और इस दौरान कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और होप दैट माय वॉइस इज नाउ मोर क्लियर। और अब हम चलते हैं सीधे ही हमारे यस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है, जो आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। एक कन्वेंशन लिया, एक जो मॉडर्न कन्वेंशन है वो क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल्स हैं है ना, उनको आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखना है, उसी में एक्सप्रेस करना है। इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को भी आपको रिडक्स रिएक्शन ही लिखना है, इफ यू आर राइटिंग इंडिविजुअल रिएक्शन। ओके, यदि आप लोग एनोडिक और कैथोडिक प्रोसेस बता रहे हो तो एनोडिक में आपको ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखो, ये रिडक्शन रिएक्शन है ये सारी के सारी। ठीक है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इस कॉलम में रिड्यूस्ड फॉर्म है। ओके, और ये इनके वोल्ट में इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, जिनको एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दे आर सेम एंड वन। ये आप चीज समझ लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं डिफॉल्टली, इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई बात नहीं होगी, है ना। तो कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी जिसकी डिस्कस की थी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी, है ना, आप लोग इस बात को मेरे ख्याल से वैसे ही समझ जाओगे कि हाइड्रोजन के साथ यदि हम लोग कंबाइन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा या एनोड बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स एसआरपी वैल्यू। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि उसकी एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास हो तो। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 298 के पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है, यदि वो हमारे पास है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा, है ना। और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, उसकी अब हम अभी अभी बात करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इन्होंने कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन वाला जो कपल है, ये जो रेडॉक्स कपल है हाइड्रोजन वाला, है ना, उससे ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग है, और यदि वो पॉजिटिव है इसका मतलब वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, तो इन सब की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ओके यस, अब कल जो हमने बात की थी तो फ्लोरीन क्या है बताओ जरा, फ्लोरीन क्या है ना, फ्लोरीन क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रोंगेस्ट बताओ।
फ्लोरीन वाला जो रेडॉक्स कपल है वो क्या है? ऑक्सीडाइज्ड। यस, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अब एक चीज आप समझ लो जो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड आए हुए हैं। आप जो हमारी जो शीट है जेई और नीट की, उसमें देखना आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके कंपेरिजन के काफी सारे क्वेश्चन हैं और दे आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द SRP। ओके, ठीक है, क्योंकि है ना, तो ये हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है F- ये क्या है? ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी को भी रिड्यूस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। ये मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म है ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा ये रेडॉक्स कपल है ना, ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 F-, इसका जो SRP वैल्यू है वो हाईएस्ट है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ हाईएस्ट है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 2.87 वोल्ट है, ये हाईएस्ट है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता। ओके, तो हाईएस्ट, मैंने कल 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए थे, वो आप लोग मुझे बताओगे क्या? सर, लिथियम हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, लिथियम तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने एक बताया था SRP वैल्यू इज ग्रेटर, मींस ये क्या थे, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी? More stable. तो एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि रिड्यूस्ड फॉर्म किसकी ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है, रिड्यूस्ड फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल है जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो वो रिड्यूस होना चाहता है। तो जो फ्लोरीन की रिड्यूस्ड फॉर्म ये है F-, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो F2 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो SRP वैल्यू यदि मैक्सिमम है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ज्यादा SRP वैल्यू का मतलब है उसकी रिड्यूस जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है ना, तो उसका, और जिसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बनाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो ये हमने कल कर लिए थे। अब हम लोग लिथियम पे आ जाते हैं। लिथियम वाले जो कपल है उसकी वैल्यू बताना भाई, किसी को ध्यान में है क्या? ये देखो, अब ये मैंने मेटल की रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, ये क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, इसलिए मेटल की भी रिडक्शन रिएक्शन ही लिखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी रिडक्शन है, जबकि ये हम जानते हैं लिथियम का कभी रिडक्शन Li+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कभी Li नहीं बनाता है, हमेशा Li इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Li+ बनाता है, ठीक है। तो इसका माइनस में कितना है? 3.06 राइट वोल्ट। तो ये माइनस की जो वैल्यू है ये सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसकी प्रोसीड होने की टेंडेंसी सबसे कम है, ठीक है, ये कभी प्रोसीड नहीं होती है। इसलिए जो आपका लिथियम है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लिथियम, ठीक है। और आपका जो Li+ है वो क्या है? वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसका मतलब सामने वाले को कभी रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहता। अब ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ये मैं काफी बार बार यूज ले रहा हूँ, आप लोग इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाइए कि जिसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो Li जो है उसकी टेंडेंसी है खुद ऑक्सीडाइज होने की, Li+ बनाने की, इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो सामने वाले को रिड्यूस करता है, इसलिए Li की हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू है SRP, ठीक
ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एसआरपी वैल्यू लोएस्ट है इसकी, लोएस्ट है तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, और आप लोग हेडिंग लगा लीजिए ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। आज हमारा सब कुछ सही है क्लास में भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेरा मतलब है कि कल जो हो रहा था वो पेन आज फ्लॉलेस काम कर रहा है, कोई बात नहीं, वी हैव सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अब एप्लीकेशंस में एक एक देखते जाओ भाई। सबसे पहला जो आप लिखोगे वो लिखोगे टू कंपेयर, फटाफट लिखते जाओ, या आपने कल लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं नहीं लिख पाया था कल, टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, फटाफट लिखते जाओ आप लोग। और अब आप लोगों को पता है कि एक एंड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक एंड पे क्या है भाई, क्लोरीन, ठीक है, एक एंड पे क्या है लिथियम, ओके, इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है, हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू है 0.0 वोल्ट, लिथियम की वैल्यू है हाइएस्ट निगेटिव वैल्यू है ना 3.06, ओके, ठीक है। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं, फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो है हाइएस्ट वैल्यू है 2.87, ठीक है। अब देखो इसको बोलने का तरीका भी अलग अलग है, अब फ्लोरीन को आप ऐसे भी बोल सकते हो हाइएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और लिथियम को बोल सकते हो हाइएस्ट निगेटिव वैल्यू, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फ्लोरीन को बोल सकते हो कि इसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू, और लिथियम को बोल सकते हो लोएस्ट एसआरपी वैल्यू, इसकी लोएस्ट है ना, माइनस में सबसे ज्यादा, इसका मतलब लोएस्ट हो गई, ठीक है। अब यहां से यहां तक आ रहे हो, यानी कि ये पॉजिटिव के साथ वैल्यू है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव 2 मान लो, पॉजिटिव 1 मान लो, ठीक है, और फिर 1 आ गया, फिर यहां से -1 मान लो, -2 मान लो, और फिर -2.5 मान लो, और फिर -3.06 आ गया। इस तरह से ये हम इधर से इधर हायर पॉजिटिव से हायर निगेटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब इधर से इधर जाएंगे, फ्लोरीन को पूरी दुनिया जान गई है भाई क्या है, बताना जरा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, ये क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ये लोग, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इधर से इधर, है ना, और आपका ये हमने कल बनाया उससे उल्टा हो गया ना, आपने यदि कल वाला नोट किया होगा तो, यस सर इट्स अपोजिट, हाँ कोई बात नहीं, और मुझे भी अभी लगा कि कल हमने ये माइनस से प्लस की ओर हम गए थे, ओके कोई बात नहीं, आप लोगों को बात समझ में आ रही है, MgTH ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो गई, ठीक है, इतनी बात हमने कल की थी और हम इसके बाद में आगे अटक गए थे, राइट। तो अब हम लोग अगला जो फीचर है वो लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखेंगे, अच्छा इसी में हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, आप मुझे ऑर्डर बताएंगे, ओके, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का, वो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप है ना, ठीक है, बहुत ईजी है। तो बेसिकली हम लोग कल यहाँ अटक गए थे, मुझे कुछ इलेक्ट्रोड्स लिखने थे, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रोड में लिखा हूँ, ये देखो इलेक्ट्रोड को कैसे डिनोट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म आती है बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म आती है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो जैसे रिडक्शन रिएक्शन है वैसे ही लिखते हैं, चाहे उसका हो ऑक्सीडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी एसआरपी वैल्यू हम मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, आप फटाफट इलेक्ट्रोड्स लिखते जाइए। अगला है Zn2+ Zn, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पोटेशियम, है ना, ये तीन आपके सामने रेडॉक्स कपल हैं और इनकी एसआरपी वैल्यूज है, इसकी है 0.44 -0.44, इसकी -0.76 और इसकी है -2.93, ओके। अब आपको क्या देना है फटाफट आप लोगों को, नंबर वन क्या है इसमें, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, फटाफट कर लो भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, फटाफट बता दो मुझे सबसे ज्यादा कौन होगा, इंक्रीजिंग देना है ना, यस फटाफट दे दो, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी फटाफट दे दो,
क्या हुआ, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? बहुत सिंपल सी बात है, एक बात मुझे बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना, वो खुद क्या होता है बता दो जरा। रिड्यूस। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसकी है? सर आयरन की। आयरन की हाईएस्ट है इन तीनों में, ठीक है। तो आयरन की खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए है ना, पोटेशियम सबसे पहले और उसके बाद में आपका आएगा Zn और उसके बाद में आएगा Fe, और ये बात सही भी है। देखो आप पोटेशियम के लिए देखो, पोटेशियम की जो लोएस्ट है यहाँ पर SRP वैल्यू, इसका मतलब ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये जो K प्लस है ये कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता है, ठीक है, हमेशा K ऑक्सीडाइज होकर के K प्लस बनाना चाहता है। तो K की यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा है, K प्लस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें भी आप कर सकते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये तो ओपोजिट हो जाएगा ना, कहाँ दिक्कत है? जिसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ जरा? ये देखो इसको आप कैसे करोगे, देखो बात को समझ लो, यहाँ पर आयरन, आयरन की एसआरपी वैल्यू इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ आयरन की खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आयरन की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ओके, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, है ना। तो ये हमने SRP वैल्यू के बेसिस पे ये दोनों हमने ऑर्डर प्रिडिक्ट कर लिए। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यदि हमारे पास PDF ओपन है तो, है तो सही, चलो देखते हैं कुछ हमारे पास है क्या। शायद हमें मिल गया है, ये देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, 36 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, और कहाँ आया हुआ है ये भी आपके सामने है, नीट 2011 में आया हुआ है, ये देख लो, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये ऐसा बता रहा हूँ कि इस तरह के देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आपके सामने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ये दे दिया, अब इन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग पावर का इनका ऑर्डर बताओ, जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के भी ऑर्डर है, कई तरह के क्वेश्चन है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको 42 में भी देखने को मिल सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ये रिलेशन है। अब EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आप जानते हो क्या, बताओ जरा, मैं यहां लिखता हूं, पहले आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहां लिखता हूं EMF, ओके, EMF जो है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ये आपके इसका रिलेशन बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताओगे, आप लोग सीधा आंसर निकालने में ज्यादा विश्वास करते हो, तो 42 का आंसर बता दो जल्दी से, EMF इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF, है ना, आपको यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म देखने को मिल रही है ना, एनोड का इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, और कई जगह कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट, कोई बात नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ये आपने ऐसे ही तो किया है, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, चलो ठीक है, बात आपको समझ में आएगी होपफुली, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, सही है क्या ये? फटाफट हाँ ना करते जाओ, ये सही है, क्यों भाई एनोड माइनस कैथोड क्यों नहीं कर सकते बताओ जरा, किसी ने एनोड माइनस कैथोड लिख दिया फिर आपको कहेगा ये भी सही है, तो आप कैसे वो करोगे उसको जस्टिफाई? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हाँ, इसलिए ज्यादा में से कम माइनस करना है। अच्छा कोई कहे कि आपको ज्यादा में से ही कम क्यों माइनस करना है, कम में से ज्यादा माइनस कर लो, माइनस आ जाएगा उत्तर, उससे क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, माइनस नहीं आना चाहिए, हमेशा सेल तभी काम करेगा जब EMF की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और उसको पॉजिटिव लाने के लिए कैथोड माइनस एनोड ही होगा,
बात समझ में आई, इसलिए थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है। अब ये जो आप ई नोट, हम जहां भी चैप्टर में ये ई नोट लिख रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसके, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस SRP of standard deduction potential of anode, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को एक मैंने रिलेशन दिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि कहीं आपके सामने क्वेश्चन में आ जाता है तो एक उसको ध्यान रखना, आप लोग एक इक्वेशन को ध्यान रखना, वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका किसी का भी हो जाए है ना, इक्वल टू निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, सही बात है ना, ये ध्यान रहेगा आपके, है ना। अब आप ये इक्वेशन है ना 10 तरह से लिख सकते हो, ये वाली जो मैंने अभी लिखी है, ठीक है, ये आप 10 तरह से मान लेते हैं। एनोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो आप यहां क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये तो है ही है ना, माइनस ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है ना, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम यहां इसकी वैल्यू अभी पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लेंगे निगेटिव, तो ये आएगा निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये लो भाई, बात समझ में आ गई आपके। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी एक इक्वेशन हो गई। अब आपने यहां पर अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लिया है, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का भी ले सकते हो, है ना, कैसे भी करके ये रिएक्शन कई सारे तरीके से ये बन जाएगी। अब आपको मेरे ख्याल से आप पकड़ लोगे इस क्वेश्चन को, ये देखो इसने कहां कहां क्या क्या किया है, ये देखो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सही बात है क्या, ये पहला वाला देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा घुमाया है इसने, बताओ पहला वाला देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सही है क्या, नो सर, क्यों भाई कैसे सही नहीं है, आप देखो एक चीज का आप ध्यान रखना, हमेशा ही आपको सबसे पहले करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहां भी लिखा हुआ है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो और साइन उसका कर दो इन्वर्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो ये जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया हुआ है ना, इसको आपको यहां माइनस लगा करके इसको लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वो एक्यूरेट है क्या, उसको चेक करना है अब आपको, बात समझ में आई। इसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, इसको माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दो और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको चेक करना है। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये तो वैसे प्लस, ये भी देखो, ये भी अच्छा है, ये प्लस कर दिया इसने, सही बात है क्या, ये सही बात नहीं है ना, प्लस तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो फिर कौन सा सही है इसमें से, सर बी, सेकंड और फोर्थ दोनों सही है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अच्छा इस ये पूरी इक्वेशन ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है, ठीक है। तो 42 फटाफट देखते हैं 42 क्या कहता है ना, और 42 के हमारे पास कुछ ऑप्शन मिले तो हैं, ए ऑप्शन सही है। अब ए चल के देखते हैं भाई क्या है, क्या किया है आखिर आप लोगों ने, ये देखो ये थोड़ी से कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं अप्लाई करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, ये देखो ए सही है और हमें सही जवाब दिया था है ना दर्शिका ने, तो ये हो गया सेकंड एंड फोर्थ, ओके। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, है ना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ रहना होगा, एक जो मैंने फॉर्मूला दे दिया उसको याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं भी दिखे न्यूमेरिकल में कहीं भी, उसको सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखनी है, साइन आपको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो अब आप लोग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये सारा कन्वर्ट कर लोगे, भूलना नहीं, फ्लो कभी भी आप भूल जाओ तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन, आप जानते हो फ्लोरीन कभी ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करता, F+ कभी नहीं बनता, F- ही बनता है, तो फ्लोरीन
कि खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जो खुद रिड्यूस होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना याद रखना है आपको। और पीब्लॉक में भी हम पढ़ चुके हैं कि हैलोजन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फ्लोरीन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिथियम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया, अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। ओके, अब आप लोग लिख लो भाई सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, है ना, सेकंड लिख लो टू कंपेयर, क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, फटाफट लिख लो रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम लोग, आपको समझ में आ गया कि एसआरपी वैल्यू को किस तरह से यूज लेना है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी और ये हम कंपैरिजन करते हैं। अब मुझे बताओ मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, उसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए या ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने बगल में रख लो भाई, क्योंकि बार बार ये हमें यहाँ पर खोलना पड़ता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो ये कौन से मेटल हैं, आप पहचान रहे हो इनको, ये देखो ये कौन से मेटल है, ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, है ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू ये देखो निगेटिव में है सबकी सब। ठीक है, और लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी हाइएस्ट निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब मेटल्स का क्या करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, है ना। तो यहाँ रिलेशन क्या निकल गया, रिलेशन बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यू, ग्रेटर देन निगेटिव एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू ग्रेटर इज द ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल। लिख लो भाई फटाफट, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल्स। ठीक है ना, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। तो हाईएस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा हो गया, लिथियम, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हो गया, लिथियम। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो, जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता हो, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ओके, तो लिथियम हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईएस्ट रिएक्टिव, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ओके, यस, अब जो मेटल्स हैं उनको हम लोग तीन उसमें एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं मेटल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले ए ग्रुप देख लेते हैं, ए ग्रुप हमारा कौन सा है, है ना, ये हैं हमारे एल्कली, एल्कली और एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले है ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी जो एसआरपी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन माइनस 2.0 होती है, एसआरपी इज ग्रेटर देन माइनस 2.0 वोल्ट, ये लो भाई माइनस 2 से ज्यादा होती है इनकी, तो इनकी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा होती है, दे आर हाईली, फटाफट लिख लो, हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिख लिया आपने, दे आर हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इनकी लोकेशन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इनकी लोकेशन मैं आपको फटाफट बता देता हूं कहां पर है, ये जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल्स हैं ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये देखो हमने माइनस 2.0 से ज्यादा वालों का किया है ना, ठीक है, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा आपका, ठीक है, यस, माइनस 2 से लेकर के माइनस ये देखो ये सारे के सारे जो मैंने अभी किए हैं इनकी माइनस 2 से लेकर के माइनस 3.0 तक है, 3.05 तक है लिथियम की, अच्छा लिथियम की हम 3.06 ले रहे हैं, ये 3.05 है, कोई बात नहीं। तो ये देखो ये चार पांच मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, बात आपको समझ में आ गई। तो माइनस 2
टू से माइनस 3.05 तक जो मेटल्स हैं हमारे, ठीक है, एसआरपी वैल्यू ग्रेटर देन निगेटिव एसआरपी वैल्यू बोल सकते हैं इसको, निगेटिव वैल्यू ऑफ निगेटिव एसआरपी, ठीक है ना, वो आपकी 2.0 से ज्यादा होनी चाहिए। कौन कौन से मेटल हैं ऐसे बताना जरा जो हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अच्छा एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए ना आपका, पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, लिथियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। बी ग्रुप देख लेते हैं, बी ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम टू निकिल, एल्यूमिनियम टू निकिल, इनकी जो एस आर पी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 to -2.0 वोल्ट। ये लो भाई, ये यहां तक है, ये जो पहला हमने ग्रुप लिया था ये लिया था -2.0 to -3.05, ठीक है। और ये जो सेकेंड ग्रुप ले रहे हैं ये ले रहे हैं जिसमें एस आर पी वैल्यू इतनी है, ये कौन से मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एल्यूमिनियम टू निकिल हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव, ओके। सी ग्रुप लेते हैं भाई, ये बड़ा सी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सी ग्रुप में हमारे चापा मेटल्स हैं, कौन से हैं, CHAPA, चापा मेटल्स, ठीक है, इनको चापा मेटल्स बोलते हैं। और चापा मेटल्स की एसआरपी क्या होती है, इनकी बिचारों की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होने की वजह से, अब आपको पता चल गया पॉजिटिव है इसका मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये कैथोड का काम करेंगे कि एनोड का बताओ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैथोड का काम करेंगे, और ए और बी वाले हैं वो एनोड का काम करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तो चापा मेटल्स हैं, चापा मेटल्स बेसिकली लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी एसआरपी वैल्यू काफी ज्यादा है, लेस रिएक्टिव, क्योंकि मेटल के लिए क्या है रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब उसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी जब उसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन, ये हमारे चापा मेटल्स। अब आप कहोगे सर चापा क्या है बोल करके, ऐसा तो कोई मेटल होता नहीं है, तो चापा का आइडिया है क्या किसी को, बता दो, नहीं है, कॉपर Hg, Ag, प्लेटिनम और Au, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि इनकी SRP वैल्यू, यही वो मेटल हैं जिनकी SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है, समझ लो भाई, इनके अलावा आपको कोई भी दिखे नेगेटिव कर देना, यही वो मेटल्स हैं जिनकी SRP वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और ये हम प्योर फॉर्म वाले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इनका वो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये वाला है, ये वाला है इनका, ये जो रिडक्शन की रिएक्शन है। बहुत सारे ऐसे मेटल भी होंगे जिनकी आयन टू आयन कन्वर्जन, आयन टू आयन रिडक्शन हो रहा है ना उसकी पॉजिटिव वो, ओके, लेकिन ये जो आयन टू न्यूट्रल मेटल एटम कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए सिर्फ ये 5 ही मेटल हैं जिनकी क्या होती है एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओके। तो ये चापा मेटल्स हैं, आप कुछ याद रखो नहीं रखो, इन चापा मेटल्स को जरूर याद रखना है, इनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये काफी कम रिएक्टिव होते हैं, और इनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एनोड का काम करता है, हाइड्रोजन कैथोड का काम करता है, नहीं सॉरी, ये कैथोड का काम करते हैं और हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। इसके अलावा किसी भी मेटल से कंबाइन कर दो, आपका जो हाइड्रोजन है वो कैथोड का काम करेगा और बाकी सारे जिनकी निगेटिव वैल्यू है वो एनोड का काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक। अब इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग ये भी तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ईएमएफ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रिडिक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, और प्रिडिक्शन ऑफ सेल रिएक्शन भी, चलो वो कोई बात नहीं, वो उसी का हिस्सा है। अब हम लोग लेते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा। अब आप मुझे ये बता दो हाई रिएक्टिव मेटल का मतलब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे है, मतलब कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल वो है जिसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा है,
ठीक है, जिसकी एसआरपी की निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, या तो हम ये कह दें हाईली निगेटिव वैल्यू के साथ जिसकी एसआरपी है वो जिसकी लेस निगेटिव या पॉजिटिव है उसको डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि लोअर एसआरपी वैल्यू वाला जो मेटल है वो हायर एसआरपी वैल्यू को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत सिंपल सा लिख सकते हो, मेटल विद, लिख लो मेटल विद लोअर एसआरपी डिस्प्लेसेस, फटाफट लिख लो, हम काफी कन्फाइन करके ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसेस द मेटल विद हायर एसआरपी, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमने Zn प्लस CuSO4 ये कंबाइन किया तो ZnSO4 का सॉल्यूशन बन गया, प्लस में Cu डिस्प्लेस हो गया बेचारा, ठीक है, और एक रिएक्शन हम लगाएं ये कॉपर प्लस ZnSO4 और ये बन गया CuSO4 प्लस Zn, बताओ कौन सी रिएक्शन इनमें से पॉसिबल होगी, फटाफट बता दो, टाइम हमारे पास बहुत कम है, एक मिनट से भी कम है। अब इनकी वो देख लेते हैं एसआरपी वैल्यू देख लेते हैं, Zn की है -0.76 और कॉपर की है प्लस में 0. ये तो चापा मेटल में आ गया ना कॉपर, तो है ना, तो फर्स्ट वाली होगी सर, ये फर्स्ट वाली पॉसिबल होगी, क्योंकि जिसकी जितनी जितनी कम होगी वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक डिस्प्लेस करेगा, तो फर्स्ट वन इज फिजिबल, सेकेंड वन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।